मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद्मा योजना 2022 लॉन्च की है। वहीं सरकार की तरफ से पद्मा स्कीम के तहत राज्य भर में 4000 नई एमएसएमई खोली जाएगी, जिससे कि हरियाणा राज्य में बेरोजगारी को कम किया जाए। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य ये है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि सरकार ने पद्मा स्कीम के तहत एमएसएमई में किसे फायदा मिलेगा। बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है, एमएसएमई पर मेहरबान सरकार, और किस तरह से यहां पर फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा ये हम आपको बता रहे हैं। एमएसएमई के लिए पद्मा स्कीम की शुरुआत की गई है। तो स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए पद्मा स्कीम की शुरुआत की गई है। स्थानीय उत्पादों को पहचान यहां पर मिलेगी पद्मा स्कीम के जरिए, और ऐसे में फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। पद्मा स्कीम से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी। तो पद्मा स्कीम से किस तरह से फायदा होने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी पद्मा से, और कृषि के साथ साथ एमएसएमई को भी आगे बढ़ाएंगे। तो कृषि के साथ एमएसएमई को भी आगे बढ़ाने का यहां पर बात कही गई है। पद्मा स्कीम यहां पर लाई जा रही है। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का 23% योगदान है। तो किस तरह से एमएसएमई का योगदान है अर्थव्यवस्था में ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। एमएसएमई को और आगे लेकर जाएंगे।